नमस्कार। हर किसी का सपना होता है एक शानदार घर बने, एक ऐसा घर जो सारी लग्जरी से भरपूर हो, बेशकीमती साजो सामान से युक्त हो और देखने वाले कहें वाह क्या घर बनाया है। पर क्या एक लग्जूरियस घर, एक शानदार दिखने वाला घर एक आदर्श घर होता है? एक आदर्श घर क्या होता है? और ख़ासकर जब हम राजस्थान की बात करें, जहाँ पर साल के ज़्यादातर हिस्से में बहुत गर्मी पड़ती है और जब ठंड पड़ती है तो बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, तो ऐसे में एक ऐसा घर जो हमें सर्दी और गर्मी से राहत दे, जो हमें कंफर्टेबल फील कराए, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बना हुआ घर एक आदर्श घर होता है। इसके ऊपर और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है रघु प्रताप सिंह। रघु एक आर्किटेक्ट हैं और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पर आपने काफ़ी काम किया है। रघु, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। नमस्कार। तो रघु, आज हम बात करेंगे कि राजस्थान के लिए आइडियल आर्किटेक्चर कैसा हो। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक आदर्श घर कैसा होता है, एक आइडियल होम कैसा होना चाहिए? अगर हम आर्किटेक्चर वाइज देखें राजस्थान के हिसाब से या फिर कहीं पे भी जी, जो भी घर वहाँ के वातावरण, वहाँ के जो इमीडिएट क्लाइमेट है जी, उसको रिस्पॉन्स करता हुआ कुछ भी बनता है जी, वो आदर्श घर बनता है। इसके अंदर जो उसको यूज़ कर रहे हैं, जो एंड यूज़र है, दे फील कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल फील हो विदाउट डिपेंडिंग ऑन द आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। जैसे हम बहुत ज़्यादा एसी का यूज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव कूलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जी, अगर हम उन पे थोड़ी कम अपनी निर्भरता डाल दें, थोड़ा कम उन पे निर्भर हों और ज़्यादातर हम जो जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, जो सूरज है, जो हवा है जी, उनको इस्तेमाल करते हुए घर को हम ठंडा रख पाएं, गर्म रख पाएं जी, जी, या जो भी जहाँ की क्लाइमेट है उसके हिसाब से हम घर बना पाएं जी, ये आदर्श आर्किटेक्चर है जी। आदर्श घर लोगों से बनता है, वो अपने हिसाब से कंफर्टेबल रहें, अपना कल्चर उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ देखें जी, जी, जी। तो एक आदर्श आर्किटेक्चर और आदर्श एंड यूजर जी मिलके एक आदर्श घर बनाते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से आपने सर समझाया है कि आदर्श घर वो है जो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना हो, क्लाइमेट सेंसिटिव हो, साथ में वहाँ के लोगों को खुश रख पाए, अंदर जो रह रहा है वो खुश रहे। अब हम राजस्थान की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो सर राजस्थान में एक घर के अंदर क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक घर के अंदर होनी चाहिए, जब राजस्थान के आर्किटेक्चर की बात करें? राजस्थान के अंदर किस तरीके के घर होने चाहिए ये हमारे पूर्वज हमें बहुत पहले बता के चले जा चुके हैं जी। हम एक आर्किटेक्चर के अंदर एक टर्म होता है विच इज़ वर्नाकुलर आर्किटेक्चर जी। अब वर्नाकुलर आर्किटेक्चर होता है जो वहाँ की क्लाइमेट, जो इमीडिएट क्लाइमेट है जी, वहाँ की क्लाइमेट को रिस्पॉन्स करता हुआ आर्किटेक्चर और आसपास से लिए हुए मटेरियल, क्योंकि वो जो मटेरियल उस क्लाइमेट के आसपास हैं जी, वो मटेरियल उस क्लाइमेट में ढल चुके हैं जी, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है जी, जी, तो वो मटेरियल यूज करता हुआ, उस क्लाइमेट को रिस्पॉन्सिव करता हुआ आर्किटेक्चर होता है वर्नाकुलर जी। अब राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर टेम्परेचर्स एक्सट्रीम है जी, 50 डिग्री जाता है, तो आज अगर हम बात करें तो आज फतेहपुर के अंदर -4 डिग्री था जी, जी, जी। तो जब 50 डिग्री ऑफ टेम्परेचर्स का डिफरेंस है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है जी, 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 जी। तो हमें आर्किटेक्चर भी बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए जी। अब जब राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा गर्मी के अंदर रहता है, तो उस गर्मी को ठीक करने के लिए पहले आप कोई भी हवेली या कोई भी फोर्ट देखेंगे जिसके लिए राजस्थान फेमस है जी। अभी रिसेंटली जयपुर को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज सिटी बोल दिया। बिल्कुल, सिटी बहुत बड़ा वर्ड होता है और बहुत कम है जो सिटी, वर्ल्ड यूनेस्को साइट बहुत सारी है, सिटी बहुत कम है। तो जब हम इतना सारा आर्किटेक्चर देखते हैं जिसकी वैल्यू है वो कुछ कुछ टेक्निक्स के ऊपर हुई है जी। अगर आज हम देखें तो जितने भी फोर्ट या हवेली हैं वो ठंडे रहते हैं, मई जून वाली गर्मी जो 45-48 डिग्री टेम्परेचर उसमें भी ठंडे रहते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा रीजन है उनमें होने वाले प्लास्टर का जी। वो प्लास्टर है लाइम प्लास्टर जी, जो राजस्थान ने देखा जाए तो दुनिया को दिया है जी। अब लाइम प्लास्टर क्या होता है, इसके अंदर चूना, आपका मिट्टी जी, और कुछ चावल का पानी ताकि उस पर स्मूथनेस बनी रहे, ये सब चीजों को मिलाते हैं। पहले कोल्हू के बेल होगा करते थे, वो सब मिलके इसको ग्राइंड करा करते थे जी, जी, जी। और इससे जो प्लास्टर बनता था वो दीवारों पे पत्थरों के ऊपर लगाया जाता था। अच्छा, उसकी लाइफ टेक्निकली आज तक नहीं जज कर पाए क्योंकि इतने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो 200-300-500 साल से खड़े हैं। जयपुर 1727 के अंदर बना था, उसकी बिल्डिंग्स अब तक खड़ी हैं जी, जी, जी। तो ये जो चूने की जो लाइफ टाइम है ये बहुत लंबी है क्योंकि वो पहले
एक चूने का पत्थर लाइमस्टोन होता है, उससे चूना बनता है और फिर वो धीरे धीरे प्लास्टर जब लग जाता है तो वापस पत्थर की तरफ जाने लग जाता है। इसका लाइफ बहुत अच्छी है जी। अब इसमें कूलिंग टेक्निक बहुत अच्छी है जी। हम कहते हैं मार्बल लगा लेते हैं, मार्बल एक बहुत बहुत ही वास्टली यूज्ड फ्लोरिंग मटेरियल है जी जी जी। बट मार्बल के साथ क्या होता है, जब आप मार्बल का फ्लोर बनाते हैं तो वो गर्मी में तो ठंडा है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं तो वो और ठंडा हो जाता है, जैसा हो जाता है, बर्फ जैसा हो सकता है। और आप जब आप सर्दी में एक टेम्परेचर के साथ सो रहे हो, अपनी ब्लैंकेट्स में सो रहे हो, और जब आप उतरते हो उतर, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जी, जी, जी। तो हमारे जितने भी पुराने आर्किटेक्चर हैं उसमें पहले से ही लाइम प्लास्टर किया गया है, फ्लोर पे भी, दीवार पे भी। जी, जी, जी। अब लाइम प्लास्टर के अंदर अपना खुद का टेम्परेचर कंट्रोल टेक्निक होती है, वो बाहर की गर्मी से अंदर की तरफ ठंडा रहता है, और अंदर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो अंदर कंपैरेटिवली गर्म रहता है। जी, जी, जी। तो लाइम प्लास्टर की ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज्यादा आपको घर को ठंडा रखने में मदद करती है। जी। फिर पहले बहुत मोटी दीवारें बनाई जाती थी जी। वो होता ऐसा है कि दीवार के बाहर के सरफेस पे अगर हीट लग रही है तो पूरे दिन में वो ट्रेवल अंदर की सरफेस पे ना करे। अगर हमने हीट को बाहर की सरफेस पे ही रोक लिया, अंदर तक गर्माहट नहीं आने दी जी। तो हम बहुत कंफर्टेबल इंटीरियर्स बना सकते जी, हैं जी, जी, जी। बट आज के डेट के अंदर बहुत पॉसिबल नहीं है मोटी दीवारों के साथ घर बना पाए, ईंट की दीवार बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो अगर हम सिद्धांत देखा जाए, सिद्धांत हमें वही रखना है कि बाहर की जो सरफेस पर गर्मी लग रही है वो अंदर तक नहीं आनी चाहिए, सिद्धांत हमको वही रखना है। लेकिन इसको हम कैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में डालें, तो एक रेड ट्रैप करके बॉन्ड होता है जो दो ईंटों के बीच में बनता है, तो उसमें एक ईंट होती है, फिर बीच में गैप दिया जाता है, फिर दूसरी ईंट लगती है। जी, जी, जी। तो वो जो बीच में हवा का गैप है, जो वैक्यूम बना रहा है, वो हीट को अंदर वाली ईंट तक आने नहीं देता जी, है। जी, जी, जी। तो हमें सिद्धांत वही रखने हैं जो हमारे हमारे से जो पहले फोर फादर्स है जो हमें सिखा के गए हैं, सिद्धांत वही रखने हैं, कॉन्टेक्स्ट हमें आज का डालना है। जी, जी, जी। हम सब ने देखा होगा हवा महल में झरोखे हैं जी। तो वो झरोखे सिर्फ वहां पे फंक्शनैलिटी वाइज नहीं है जी, जी, जी। वो झरोखों का एक टेक्निक है जो आपको पैसिव कूलिंग देती है जी, कोर्टयार्ड थे राजस्थान में, तो बहुत सारे एलिमेंट है जो आपको ठंडा रखते हैं घर जी, जी, जी। तो बिल्कुल हमारे फोर फादर्स एक साइंस एक विज्ञान के साथ इवॉल्व हुए, उन्होंने एक आर्किटेक्चर का सिस्टम इवॉल्व किया जो कि उन्हें कंफर्टेबल लिविंग देता था, बट हम धीरे धीरे वो भूलते जा रहे हैं। तो जैसे रघु ने हमें बताया कि हमारे जो लाइम स्टोन है राजस्थान में बहुतायत में मिलता है, हम उसको क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते अपने घरों में, और जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वहाँ पर कोर्टयार्ड्स हैं, झरोके हैं, अगर हम उनको यूज़ करें, मोटी दीवारें हैं, या किसी ना किसी तरह से इंसुलेट कर सकें हम हीट को, अगर हम ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें तो एक आदर्श घर की तरफ हम मूव कर पाएंगे। अच्छा रघु, हम क्योंकि घर की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है घर डिजाइन करते समय, कि डायरेक्शन पे लोग खासा ध्यान देते हैं, कौन सी डायरेक्शन में आपका घर फेस करना चाहिए, तो आप बताएं कि क्या होनी चाहिए, घर आपका घर किस डायरेक्शन में फेस करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे ज्यादा जी डायरेक्शन सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है किसी भी आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करने में जी। अब अगर हम देखा जाए तो हम सबने बचपन से सुना है कि सन ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छुपता है जी। लेकिन कभी बहुत कम जनों को पता है कि वो ईस्ट से निकल के वेस्ट में सीधा तरीके से नहीं जाता, वो इक्वेटर पर ट्रेवल करता है जी। तो जो कंट्रीज इक्वेटर से ऊपर की तरफ रहती हैं उसमें ईस्ट टू वेस्ट वाया साउथ जाएगा जी, जी, जी। जो कंट्रीज इक्वेटर से नीचे हैं उसमें ईस्ट टू वेस्ट वाया नॉर्थ सूरज जाएगा जी, जी, जी। तो अब जब ईस्ट से वेस्ट वाया साउथ जा रहा है जी। और आप अगर आप देखें आप दोपहर का टाइम जो सबसे ज्यादा गर्म टाइम होता है तो सूरज मोस्टली साउथ वेस्ट में रहेगा। तो राजस्थान में जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ पे हम अगर ओपनिंग्स जहाँ पे हम एयर सर्कुलेशन की बात करते हैं या सूरज का हम कितनी ताप अंदर लें जी। इसकी बात करते हैं तो अगर हम नॉर्थ साइड जहाँ पे सूरज डायरेक्ट नहीं है क्योंकि ईस्ट से निकल रहा है वेस्ट में जा रहा है और साउथ की तरफ से जा रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है हम इक्वेटर से ऊपर है इंडिया इक्वेटर से ऊपर है जी। तो हमारे को हमारे नॉर्थ के अंदर सूरज नहीं आता है जी। तो अगर हम राजस्थान के अंदर नॉर्थ की ओपनिंग्स बड़ी कर दें और साउथ की तरफ बहुत कम ओपनिंग्स रखें
तो हम गर्मी को कम अंदर लेते हैं जी, लेकिन अब जब सर्दी आती है तो हमें चाहिए होता है, तो इसलिए हमें नॉर्थ की बड़ी ओपनिंग्स चाहिए जी। डायरेक्शन वैसे रोल प्ले करता है जी। वास्तु के अंदर भी डायरेक्शन, जो पुरुष मंडला इंडियन वास्तु सिस्टम है वो भी साइंस की ही बात करता है। ये बहुत बहुत दुख की बात है कि हम इतने सालों के अंदर उस वास्तु को धर्म से जोड़ लिया और उसके अंदर हम बहुत सारे अंधविश्वास को भी मानने लग गए हैं, बट वास्तु कम्प्लीटली साइंस साइंस है जी जी जी। तो अगर हम वास्तु में देखते हैं तो वास्तु में बोला गया है साउथ ईस्ट में हमारी किचन होनी चाहिए जी, तो वो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब किचन में जब हमारा खाना बन रहा है जी, तो ये भी एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि किचन में हमारे पास ज्यादा बैक्टीरिया है हमारे बाथरूम से जी जी जी, क्योंकि किचन में खाना रात का भी है, बचा हुआ भी है, खूब सारा खाना भी है और खूब सारे बर्तन भी हैं, तो बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा होते हैं। आज भी बैक्टीरियाज को मारने के लिए सनलाइट से अच्छा कुछ नहीं है जी, जी, जी। तो ईस्ट से निकल रहा है, साउथ की तरफ से जा रहा है, तो सबसे पहले सुबह सुबह जो सूरज की किरण होगी वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी, इसलिए किचन को साउथ ईस्ट में बोला गया, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। ऐसे ही साउथ वेस्ट को भारी बोला गया है। आजकल हम लोग मानने लग गए भारी, हम एक सरिया लगा देते हैं और हम मानते हैं कि हमारा घर भारी कर दिया हमने साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट को भारी इसलिए बोला गया है, अगर साउथ वेस्ट का हिस्सा, क्योंकि दोपहर का टाइम साउथ वेस्ट का टाइम है, ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट में छुप रहा है, साउथ से जा रहा है, तो 12 से 3 का टाइम साउथ वेस्ट का टाइम है। अगर हम दोपहर के टाइम पे घर के किसी एक हिस्से को बड़ा बना देते हैं और बाकी हिस्से को थोड़ा छोटा बना देते हैं, तो उस बड़े हिस्से पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और उसकी परछाई बनेगी बाकी घर पे जी, जी। तो वो जो परछाई और छाया बन रही है वो दोपहर में घर को ठंडा रख रही है। ओके, तो साउथ वेस्ट को भारी करा गया जी, है जी, जी, जी। तो हमें ओपनिंग्स का ध्यान रखना है, सूरज का ध्यान रखना है, हर जगह पे विंड अपनी तरीके से मूव करती है, हर एरिया का अपने हिसाब से विंड मूवमेंट है, विंड पैटर्न है जी। तो अगर हमने क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा कर लिया जी, अगर हमने सूरज को ध्यान रख लिया, तो हम ऑटोमेटिकली एक कंफर्टेबल घर बनाते हैं गर्मियों के लिए भी और सर्दियों के लिए भी जी। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे रघु ने बताया, अगर हम डायरेक्शन को ध्यान में रख के घर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सूरज की ऊर्जा मिले पर गर्मी को हम अवॉइड कर सकें, अगर हम ऐसा घर बना सकें तो हम कंफर्टेबली जी पाएंगे। रघु, जैसे आपने अभी बताया लाइमस्टोन, लाइम का, चूने का आपने महत्व बताया, बट फिर भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर्स हर साल नई पीक्स छू रहे हैं, तो घर को ठंडा रखना एक इम्पॉर्टेंट इशू है सबके लिए। एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं लोग, ऑलमोस्ट हर रूम में एसी है जो 24 घंटे चलते हैं गर्मियों में। सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, मुझे लगता है एनर्जी के लिए भी, इतना ज़्यादा हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, पूरी अर्थ के लिए एक चिंता का विषय है जो ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हम एसी को मिनिमाइज कर सकें, एसी का यूज़, हमारा घर फिर भी ठंडा रहे। चूना आपने बताया, और क्या फीचर्स हो सकते हैं? अब जैसे आपने बोला 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे नहीं सर, आप ये मान के चलिए 12 महीने हैं तो हम 8 महीने एसी यूज़ कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जी, जी, जी। आपकी बात एकदम सही है कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम एसी की डिपेंडेंसी एकदम कम कर देंगे जी। हमें 1-2 महीने के लिए फिर भी चाहिए, लेकिन हमें 8 महीने के लिए नहीं चाहिए जी, जी, जी। हम वो कंजप्शन कम कर देते हैं तो हम इन्वायरमेंट और हमारे वातावरण पर भी कम दबाव डालेंगे जी। अब इसके लिए चूना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्म होता है आर्किटेक्चर में, विच इज़ पैसिव कूलिंग टेक्निक्स। पैसिव कूलिंग, अब एक्टिव कूलिंग डायरेक्ट कूलिंग है जी, जो हमारे एसी से मिल रही है। पैसिव है जो हमें इन्वायरमेंट से मिल रही है, उसकी वजह से अगर हम कंफर्टेबल घर बना देते हैं पैसिव कूलिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए, तो हम एक्टिव वाले सोर्सेज पे ऑटोमेटिकली कट डाउन कर देंगे जी, जी, जी। अब पैसिव कूलिंग टेक्निक्स भी बहुत पुराना वर्नाकुलर आर्किटेक्चर में उनका भी एक तरीका बताया गया है जी। हम हवा महल में झरोखे देखते हैं जी। अब ये झरोखे हैं, ये सिर्फ सुंदरता के लिए हवा महल या कहीं पे भी हवेली या कहीं पे भी नहीं है, ये झरोखे और ये जाली वर्क एक साइंस के साथ बना है जी। ये एक बर्नौली थ्योरम हुआ करती थी या होती है, जो हम पढ़ते हैं स्कूल टाइम में, उसमें बताया गया है कभी भी गर्म हवा एक छोटे हिस्से को गुजर के निकलेगी तो उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। जैसे हम चाय पीते हैं तो हम जो फूंक मारते हैं तो हमारा मुंह हम छोटा कर लेते हैं, हम जब भी फूंक मारेंगे हम उसे छोटा कर देंगे ताकि टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए जी, 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 जी। तो जाली में से कभी भी जब गर्म हवा पास होती है तो वो ठंडी बनके पास होती है जी, जी, जी। तो हम ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास लू आ रही है, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा गर्म हवाएं आ रही है, वहां पे अगर हम ऐसे छोटे छोटे परफोरेशन से, मेरा मतलब छोटे छोटे छिद्र अगर हम बना पाए, तो जो उससे गर्म हवा निकल के आएगी वो हमारे घर में अंदर आते आते ठंडी होगी।
और कोर्टयार्ड एक बहुत अच्छा, कोर्टयार्ड आंगन बोलते थे पहले, हर घर में एक आंगन होता था जी। अगर हम आज की डेट में उसे आज के कॉन्टेक्स्ट में बना पाए जहाँ पे, क्योंकि बहुत अगेन साइंस है इसके अंदर, गर्म हवा जो अपने वजन में होती है वो हल्की होती है जी, और ठंडी हवा अपने वजन में भारी होती जी, है जी, जी। तो अगर हमारे घर में आंगन है, चारों तरफ से हवा हमारे घर के अंदर आ रही है और गर्म हवा किसी तरीके से ऊपर उठ पा के निकल पा रही है जी, तो हमारे घर में ठंडी हवा नीचे की तरफ रहेगी जी, जी, जी। तो हम ऐसी पैसिव टेक्निक्स अगर यूज करें, कोर्टयार्ड जैसी जी, जी, जी। जाली जैसी, जहाँ पे हम बर्नौली थ्योरम यूज कर रहे हैं, हम हवा का वजन पढ़ रहे हैं, हम गर्म हवा को बाहर निकलने का मौका दे रहे हैं, हम ठंडी हवा को अंदर आने की जगह दे रहे हैं जी, हम ऐसी चीजों पे अगर हम काम करेंगे आर्किटेक्चर के अंदर आज के कॉन्टेक्स्ट में बैठाते हुए, तो हम पैसिव कूलिंग टेक्निक्स में आएंगे जी। जी जी, पैसिव कूलिंग टेक्निक्स सिर्फ राजस्थान में नहीं होती, हर जगह होती जी, जी, जी। गर्म करने की टेक्निक्स भी हैं, तो हम अगर इन्वायरमेंट से हम इंस्पायर होते हुए उसकी एनर्जी को यूज करें घर में और एक्टिव कूलिंग टेक्निक्स पे हम कम ध्यान दें जी, तो हम उन पे काफी अच्छा कट डाउन कर लेंगे जी। जी, तो पैसिव कूलिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें हमारे आज के गेस्ट ने बताई कि पैसिव कूलिंग टेक्निक्स के थ्रू हम एनर्जी एफिशिएंसी के साथ हमारे घर को ठंडा रख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा रघु, एक नया पैटर्न मैंने आजकल देखा है, जो नए घर बन रहे हैं बहुत बड़े विंडो पेन्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज, बेसिकली विंडोज हम रखते हैं ताकि लाइट आ सके, और जो जनरली हम देखते हैं आजकल घरों में पूरे दिन ट्यूबलाइट जलती हैं, लाइट जलती हैं, तो हम चाहते हैं लाइट भी आए लेकिन हीट भी रुके, तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? सी, जो अगर ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन माइंड है जी, या जो हमारा मनुष्य का दिमाग होता है, उसे इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होने की बहुत आदत होती है जी। तो हम जब हम दिन भर देखते हैं सुंदर घर जी अराउंड द वर्ल्ड, हम एक घर देख रहे हैं यूरोप का, हम एक घर देख रहे हैं बाली का, हम एक घर देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का जी, तो वहाँ पे हम बहुत बड़े विंडो पेन्स देखेंगे जी। तो क्योंकि वहाँ पे नेचर है, वहाँ पे लैंड है, लैंडस्केप बहुत अच्छा है, एक घर एक फॉरेस्ट में भी बना सकते हैं वो लोग जी, तो उनको वो बड़े विंडो पेन्स देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर हमारे एज अ ह्यूमन माइंड डिजायर हो जाती है कि हमें भी ऐसा जी विंडो पेन, चाहे से हम उस बड़े से विंडो पेन के बाहर रोड दिख रही है, रोड गाड़ियाँ दिख रही है जी, हम कभी उसे खोलेंगे भी नहीं जी, हम वो बड़े विंडो पेन सिर्फ बनाना चाहेंगे क्योंकि हमें बनाना है, क्योंकि हमें वो अच्छे लगते जी, हैं जी, जी, जी। विंडो पेन्स बड़े बन सकते हैं राजस्थान में भी, अभी भी काफ़ी आर्किटेक्चर यहाँ पे नहीं, राजस्थान जैसी क्लाइमेट यूएई की है, वहाँ पे भी काफ़ी आर्किटेक्चर ऐसा हो रहा है जहाँ पे बड़ी ओपनिंग्स और ग्लास यूज़ किया जा रहा है। आइडली करना नहीं चाहिए जी, क्योंकि ग्लास हीट एब्जॉर्ब करता है, हम गर्मी के अंदर गाड़ी के अंदर बैठ भी नहीं पाते, बिल्कुल राजस्थान जयपुर में आप गाड़ी दोपहर में चालू नहीं कर सकते, आपको एसी ऑन करके छोड़ना पड़ता है, ग्लास आपकी हीट ऑब्जर्व करेगा जी। अब उसको कट डाउन करने के लिए आपको ग्लास की भी डबल लेयर लगानी पड़ेगी, तो आप और रिसोर्सेज डाल रहे हैं जी, जी, जी। तो आप लाइट काफी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपका नॉर्थ की तरफ कोई डायरेक्ट सनलाइट नहीं है बट भरपूर रोशनी है जी, तो आप नॉर्थ की तरफ बड़ी ओपनिंग्स रखिए, आप किसी भी हवेली में चले जाइए जी, जी, जी। वहां पे इतने सुंदर ग्लास वर्क है, कलर्ड ग्लास का वर्क है कि आपको अंदर रोशनी जलाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता जब तक बाहर रोशनी है जी, तो आप जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं है आप वो लाइट अंदर लीजिए जी, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट है वहाँ पे आप ब्लॉक करिए जी, थोड़ा सा समझदारी से दोनों का तालमेल बैठाते हैं तो हम भरपूर लाइट लेते हैं ज़्यादा हीट अंदर लिए बिना जी। जी जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात बताई कि हम किस तरह से भरपूर लाइट ले सकते हैं हीट ज़्यादा अंदर लिए बिना, पर वेंटिलेशन की अगर हम बात करें, जो फ्लैट सिस्टम जिस तरह से आ गया है, वेंटिलेशन मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो सबसे लीस्ट पार्ट है जिस पे लोग ध्यान दे रहे हैं, घर अनवेंटिलेटेड हैं, जो नए घर बन रहे हैं चारों तरफ से पैक्ड होते हैं, तो किस तरह से घर को वेल वेंटिलेटेड रखा जाए और कितना इम्पॉर्टेंट है वेंटिलेशन? वेंटिलेशन इम्पॉर्टेंट है जी, इसके अंदर भी हम अगर हम आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर जाएं तो वेंटिलेशन को भी हमने यूज़ करने के लिए एक्टिव टेक्निक्स पे आ गए हैं, हम बहुत सारे एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि वेंटिलेशन हो जी, बट अगेन वो जो वेंटिलेशन है वो आर्टिफिशियल या मैनमेड है जी। वेंटिलेशन एक बहुत सिंपल तरीका है, एक खिड़की के सामने एक खिड़की जी, इससे हवा पास हो गई, ये वेंटिलेशन है जी। कोर्टयार्ड, चारों तरफ से हवा अंदर आई, ऊपर से वो निकल गई, ये वेंटिलेशन है जी। सो वेंटिलेशन का एक सिंपल और बहुत साधारण तरीका है जी, कि जो हवा बाहर से अंदर आ रही है उसे उतनी ही तेजी से बाहर भी निकल जाना चाहिए, ये वेंटिलेशन का तरीका है। वेंटिलेशन सिर्फ
हमारी नीड नहीं है, ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है. जी, जी जी जी. आप अगर एक वेंटिलेटेड हाउस में नहीं रहते हैं जी. तो आपको बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आने लग जाती है. हम दिल्ली गुड़गांव में देख रहे हैं जी, जी, हर जी. घर के अंदर, आप जो फ्लैट सिस्टम की बात कर रहे हैं, हर घर के अंदर एक एयर प्योरीफायर है जी. वो इसलिए है एयर प्योरीफायर, वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा जी, है. जी, जी. तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमें अच्छा वेंटिलेशन चाहिए. बहुत सारी, जब ह्यूमन एक जगह पर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाउल स्मेल्स होती हैं, आपके टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट अप हो जाता जी, है. जी, 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 तो बहुत सारी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए वो एक हवा का अंदर आना और उसी गति से बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो बाहर निकल रही है तो अपने साथ अंदर की काफ़ी सारी चीज़ें लेके बाहर जा रही है. जी 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 तो वो बिल्कुल. बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, हमारी वेलबींग के लिए भी और हमारे कम्फर्ट के लिए जी भी. जी जी तो हमें क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. जी 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 तो घर वेंटिलेटेड रखिए, ये पॉइंट्स आई एम श्योर आप लोग नोट कर रहे होंगे, ज़रूर करके रखिए कि वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी लिविंग के लिए. खासकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताज़ी हवा मिलेगी अगर आपको घर में, तो हवा के पास होने के लिए प्रॉपर व्यवस्था एक घर में होनी चाहिए. पॉइंट्स रघु ने आपको बताया क्या होना चाहिए. रघु, मटेरियल जब हम बात कर रहे हैं घर बनाने के लिए, तो आजकल हम जो मटेरियल केरला में यूज़ हो रहा है वही राजस्थान में भी यूज़ हो रहा है, वही कश्मीर में भी यूज़ हो रहा है, एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया. बट क्या अब ऐसा भी सुनने में आता है कि हमें लोकल मटेरियल ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तो क्या मटेरियल राजस्थान के लिए अच्छा रहेगा दीवारें बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए, छत बनाने के लिए? मैं जैसे बता चुका हूँ, जो भी मटेरियल राजस्थान के अंदर आ रहा है नेचुरल तरीके से जी, वो मटेरियल राजस्थान के लिए अच्छा है जी. कोटा स्टोन राजस्थान का पत्थर है जो काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा और मजबूत जी अपनी क्वालिटीज़ के साथ पत्थर है जी. करोली थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे अपने, हाँ. टाइम होने वाला है और क्वेश्चंस अभी मैं और पूछूंगा आपसे. ठीक है, जो भी राजस्थान की विसिनिटी के अंदर मटेरियल्स आ रहे हैं जी, वो मटेरियल्स हमारे लिए ज़्यादातर लाभदायक हैं जी. लाइम प्लास्टर बहुत अच्छा हमारे लिए मटेरियल है जी. टेराकोटा बहुत अच्छा मटेरियल है जी. आज की डेट्स को टाइम में दिमाग में रखता जाए, क्ले एंड टेराकोटा इज अ वेरी गुड मटेरियल्स टू यूज इन राजस्थान. जी जी जी. तो लोकली अवेलेबल मटेरियल को काम में लीजिए. टेराकोटा है, जैसे लाइम है, इनके ऊपर हमें वापस स्विच करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी. रघु, मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि घर जो लोग बना रहे हैं, जो बहुत पैसा खर्च करके घर बनाते हैं, तो बहुत यूरोप जैसे घर दिखते हैं. वैसी छतें होती हैं, स्लैंट रूफ्स होती हैं. क्या राजस्थान के लिए सैंड रूफ्स ठीक है या फ्लैट रूफ्स पे जाना चाहिए? रूफ़ के बारे में थोड़ा बताइए. स्लैंट रूफ राजस्थान के लिए थी ही नहीं जी. स्लैंट रूफ बहुत फंक्शनल रूफ है जी. जहाँ पे भी ज़्यादा बर्फबारी होती है, ज़्यादा पानी गिरता है, ज़्यादा बरसात हो रही है, वहाँ पे स्लैंट रूफ होती है ताकि पानी नीचे आ जाए सारा जी. राजस्थान में पानी कमी है, राजस्थान में पानी बचा के रखना है, तो राजस्थान के लिए फंक्शनली फ्लैट रूफ्स होनी चाहिए. स्लैंट रूफ्स आर अभी राजस्थान में जो यूज़ हो रही है वो सिर्फ सुंदरता और एस्थेटिक्स के लिए यूज़ जी जी जी. तो स्लैंट रूफ्स के बजाय हमें फ्लैट रूफ्स पे जाना चाहिए. अच्छा रघु, ये बताइए कि घर का पेंट जब हम करवाते हैं उसमें भी क्या कोई साइंस है, कुछ खास चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? घर के पेंट के अंदर, अब पेंट अपने आप में आर्टिफिशियल मटेरियल है तो उसमें कुछ ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है नहीं. बट हाँ, आजकल काफ़ी जैसी कंपनी काफ़ी ऑर्गेनिक मटेरियल्स बना रही हैं. जी जी जी. काफ़ी ऑर्गेनिक मटेरियल्स चल रहे हैं, उसके अंदर आप उनको जब अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक मटेरियल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं. अवॉइड करिए सिंथेटिक पेंट्स यूज़ करना, नेचुरल पेंट्स की तरफ ज़्यादा जाना. ओके, तो हमें सिंथेटिक पेंट्स के बजाय नेचुरल पेंट्स यूज़ करने चाहिए. नेचुरल पेंट्स के कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? सर, नेचुरल पेंट्स पहले भी निकलते थे जी. जैसे हम फूल पत्तियों में से निकालते थे, अब उसको निकालने का तरीका, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो निकाल रही हैं, उसके अंदर वो ज़्यादा केमिकल्स नहीं डालते, ज़्यादा प्लास्टिक नहीं डालते. प्लास्टिक लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए उसको पेंट में भी डालने लग गए थे लोग. पर कलर क्या कोई इंपॉर्टेंस है, कैसा कलर होने चाहिए घर के? सर, कलर वो होने चाहिए जो हीट अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें, जो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर दें राजस्थान के अंदर. जी जी जी. तो लाइट कलर्स, लाइट कलर्स के अंदर हम जा सकते हैं. मोस्टली व्हाइट इज एन आइडियल कलर फॉर राजस्थान. राजस्थान जी जी जी. व्हाइट और अर्दी टोन्स. अर्दी टोन्स, ओके. तो पेंट के बारे में रघु ने हमें बताया कि हम लाइटर शेड्स की तरफ जाएं तो हम घर को और ठंडा रख पाएंगे, जो हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बैड प्रैक्टिसेस हैं जो अब हम फॉलो करने लग गए हैं घर बनाने में, जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, और उसके लिए क्या ऑप्शंस दूसरे अवेलेबल हैं? सबसे ज़्यादा जो गलत प्रैक्टिस हम बना रहे हैं जी. वो हम घर की ओपनिंग्स को ध्यान ना रखते हुए बना रहे हैं, घर सन की डायरेक्शन और विंड की डायरेक्शन को ना ध्यान रखते हुए बना रहे हैं.
अगर हमारे घर के अंदर हमें सुबह के टाइम पे भी लाइट जलानी पड़ रही है जी, तो हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। जी 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 जी। अगर हम साल के अंदर 8 से 10 महीने एसी चला रहे हैं तो हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। जी जी जी। तो जब हम ओपनिंग्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जब हम सूरज का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हवा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो काफी ज्यादा हो रहा है जी, वो बैड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है जी, जिनको जी। हमको ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। जी जी जी। तो हमें जो आज का पूरा एपिसोड है जिसमें पूरी बात हुई है कि कैसा एक आदर्श घर होना चाहिए, उसमें की चीज़ें वो सारी अगर हम इंकॉर्पोरेट करें तो बैड प्रैक्टिसेस अपने आप बाहर निकल जाएंगी। हमारे घर में वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, फ्रेश हवा आनी चाहिए, हीट अप कम होना चाहिए, एक्सट्रीम ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्लोरिंग ऐसी होनी चाहिए, दीवारें ऐसी होनी चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो डेफिनेटली हम बैड प्रैक्टिसेस को अवॉइड कर पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन रघु, एक सस्टेनेबल घर, एनर्जी एफिशिएंट घर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आजकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं सोलर पैनल्स की, आजकल प्रैक्टिस चल रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो ये हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज का कॉन्सेप्ट नहीं है जी। आप पुराने गांव में कहीं भी राजस्थान के गांव में चले जाइए, आपको कुंड मिलते हैं, आपको कम्युनिटी वेल्स मिलते जी, हैं जी, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी जी। और राजस्थान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जयगढ़ उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे नीचे से पानी ऊपर पहुँचाया जाता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं जी। हम सोलर यूज कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं जी। हम दिन में सूरज को अपने घर के अंदर ला रहे हैं और रोशनी यूज नहीं कर रहे आर्टिफिशियल, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ हैं जी। हम मटेरियल्स को जितना नेचुरल रख पा रहे हैं जी। जो भी मटेरियल है तो नेचुरली आ रहा है या फिर वापस यूज हो सकता है, जैसे लोहा है वो वापस यूज हो सकता है। हम जितना नेचुरल या अपसाइकल मटेरियल की तरफ रहेंगे हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ हैं। हम आर्टिफिशियल की तरफ जाएंगे, टाइल्स वगैरह की तरफ, तो हम सस्टेनेबिलिटी से थोड़ा दूर जाएंगे। जी जी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात फाइनली आपने बताई कि घर एनर्जी एफिशिएंट हो, सस्टेनेबल हो, साइंस का यूज़ करिए, सोलर पैनल्स अपने घर पर लगाइए, वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। रेन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है राजस्थान के लिए, आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्कैरसिटी होने वाली है पानी की। अगर हम घर में ही पानी कलेक्ट कर सकें, साल भर के उपयोग के लायक पानी बचा सकें, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बात होगी। तो मेरे हिसाब से आज का एपिसोड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप घर डिज़ाइन कर रहे हैं आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर इन चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कर पाएंगे, तो आप अपने और अपने परिवार के लिए एक आदर्श घर बना पाएंगे। रघु, आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आए, आपने अपना टाइम दिया और इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमारे दर्शकों को बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।